डियर स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संविधानों में चर्चा करेंगे। ये जो आज का जो टॉपिक है, अमेरिका का संविधान, यह बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान का, उससे संबंधित आज का हमारा यह अध्ययन रहेगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अमेरिका के संविधान या अमेरिका की शासन व्यवस्था के स्वरूप जब अपन समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। उस वीडियो का मेरा यही उद्देश्य था कि जब अपन इस पेपर का प्रारंभ करें तो आपके पास प्रत्येक राष्ट्र के संदर्भ में उसकी शासन व्यवस्था के स्वरूप की जानकारी आपके पास पहले से मौजूद रहे, ताकि आप संविधान वाले इस अध्याय में आप उन राष्ट्रों की शासन व्यवस्था के स्वरूप के आधार पर एक सामान्य जो आपका जो नॉलेज है वो आप इसमें अपने नॉलेज के आधार पर इसकी कार्यशैली जो है उसको आगे बढ़ा सकते। तो मैं आज से पेपर की जब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, तो अपन क्या है कि अमेरिका के संविधान में अपने को क्या क्या पढ़ना है, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है कि अपन जब किसी भी राष्ट्र के संविधान को अगर पढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस में उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, किन जानकारियों की जानकारियां जो है हम प्राप्त करेंगे। तो यहां सबसे पहले अपन देखेंगे कि अमेरिका के संविधान में उसका विकास, विकास उसका महत्व और उसकी विशेषताएं, यानी कि अमेरिका के संविधान का जो विकास हुआ है उसके चरण क्या रहे हैं, किस प्रकार से अमेरिका के संविधान का विकास हुआ है। तो सबसे पहले अपन उसके विकास क्रम की चर्चा करेंगे, फिर अपन ये देखेंगे कि अमेरिका का जो संविधान है उसका क्या महत्व है, अर्थात ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं उसकी, जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ये विशेष महत्व रखता है विश्व के अंदर। इसके बाद उसके संविधान में जो प्रारूप शामिल किए गए हैं अपन उन विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं जिनके आधार पर अमेरिका के संविधान को हम समझ सकते हैं। तो ये पहली कड़ी में अपन विकास और महत्व और उसके साथ उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका भी अपन अध्ययन करेंगे। ये भी अपने आप एक आदर्श रूप में अमेरिका के संविधान में अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन देखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ अपन देखेंगे मंत्रिमंडल, उसका उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे अमेरिका की जो व्यवस्था विकास है, और अमेरिका की जो व्यवस्था विकास है उसका नाम है कांग्रेस, और उसके दो सदन हैं प्रतिनिधि सभा और सीनेट, इनकी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में न्यायपालिका, उसके बारे में देखेंगे, और साथ में अपन वहां की दलीय व्यवस्था कि अमेरिका में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, कौन कौन से दल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब अपन अमेरिका के संविधान का अध्ययन करते हैं तो बेसिकली अपने को अमेरिका के संविधान में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, अर्थात हमारी जो रुचि है वो हम किस प्रकार से विकसित करेंगे कि अपने को कौन सी व्यवस्था जो है उसके बारे में हमारे पास पहले से पूर्वाज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में यहां जो अपन चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आज अपन लेते हैं अमेरिका के संविधान के विकास के चरण में। Thank you.
सबसे पहले अपन देखेंगे अमेरिका के संविधान के या विकास के चरण, विकास के चरण। अब अमेरिका के संविधान के विकास के जो चरण है उन चरणों को बेसिकली चार भागों में विभाजित किया जाता है। अब वो चार भाग कौन कौन से हैं वो आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं। नंबर एक उपनिवेशों की स्थापना, पहला चरण यहां से प्रारंभ होता है उपनिवेशों की स्थापना से। दूसरा चरण आता है उपनिवेशों की स्वतंत्रता, उपनिवेशों की स्वतंत्रता। तीसरा चरण आता है राज्यमंडल की स्थापना से, और चौथा चरण आता है नए संविधान का निर्माण। यानी कि इसके चार चरण हैं और आपको इन्हीं क्रम के रूप में इनको याद करना है कि अमेरिका के संविधान का जब अपन अध्ययन करते हैं तो अमेरिका के संविधान का विकास किन चरणों में हुआ था। तो बेसिकली अमेरिका के संविधान के विकास को चार भागों में विभाजित किया जाता है, और उसके चार चरण कौन से हैं, उपनिवेशों की स्थापना, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, राज्यमंडल की स्थापना और नए संविधान का निर्माण। तो अब हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका के अंदर उपनिवेशों की स्थापना का दौर जो था वो किस प्रकार से प्रारंभ होता है। तो आपने सुना होगा सन 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और उसके बाद अमेरिका की खोज करने के बाद ब्रिटेन और यूरोप के जो देश हैं उनके लोग वहां जाकर के बसने लगे थे। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी जो घटना घटित होती है कि अमेरिका में प्रारंभ में इंग्लैंड व यूरोप के जो अन्य देश थे, अन्य देशों के लोग जो थे वो अमेरिका में जाकर बसने लगे। यानी उपनिवेशों का दौर कहां से प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है। अब ये जो लोग थे ये यूरोप को या इंग्लैंड को छोड़कर के अमेरिका क्यों गए, इसके पीछे दो मुख्य कारण आते हैं। एक पहला कारण आता है कि आर्थिक संकट के कारण, उनपे आर्थिक संकट आया जिसके कारण वो यूरोप के राष्ट्रों को या इंग्लैंड को छोड़कर के अमेरिका की तरफ पलायन करने लगे। पहला कारण तो यह आता है। दूसरा कारण आता है धार्मिक अत्याचार, धार्मिक अत्याचार। ये मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं जिनके आधार पे यूरोपीय देशों के जो लोग थे वो यूरोपीय राष्ट्रों को छोड़कर के अमेरिका की तरफ पलायन करने लगे थे, जिसमें पहला इसका मुख्य कारण था आर्थिक संकट था, और दूसरा जो कारण था कि यूरोप के अंदर धार्मिक अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि लोग अपने राष्ट्रों को छोड़कर के अमेरिका की तरफ पलायन करने लगे। अब धीरे धीरे अमेरिका के अंदर जनसंख्या का जो संघन घनत्व था वो बढ़ने लगा। अब यहां अमेरिका के अंदर जो लोग यूरोप के जो लोग गए ये लोग जो थे ये व्यवस्था प्रिय लोग थे, अर्थात व्यवस्थाओं में विश्वास करते थे, तो इन्होंने वहां पे उपनिवेशों की स्थापना करने के बारे में विचार किया। और ये स्थापना करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए वो ब्रिटेन की सत्ता से इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, और ब्रिटिश सत्ता ने इनको उपनिवेशों की स्थापना करने का जो अधिकार था वो इनको प्रदान कर दिया था। तो इस प्रकार अमेरिका में धीरे धीरे उपनिवेशों की स्थापना का दौर प्रारंभ हो गया था। पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि उपनिवेशों की स्थापना होती कैसे है। उपनिवेशों की स्थापना अमेरिका में इस प्रकार से इसका दौर प्रारंभ होता है कि यूरोपीय राष्ट्रों के जो लोग थे वो वहां आर्थिक संकट और धार्मिक अत्याचार के कारण इतने उत्पीड़ित थे कि वो अपने राष्ट्रों को छोड़कर के अमेरिका की तरफ पलायन करने लगे।
अमेरिका में जब वो लोग वहां बसने लगे तो उनके मन में एक प्रकार की नई व्यवस्था का निर्माण करने का जो स्वप्न था वो उजागर होने लगा। लेकिन ये लोग व्यवस्था प्रिय लोग थे और इन्होंने ब्रिटेन की सत्ता से अनुमति लेकर के अमेरिका के अंदर उपनिवेशों की स्थापना का दौर प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना होनी प्रारंभ हो गई। दूसरा दौर आता है उपनिवेशों की स्वतंत्रता। अब देखिए जब उपनिवेश की स्थापना होती है तो यहां बेसिकली उपनिवेश धीरे धीरे समय के साथ अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूर्ण स्वशासन की मांग करता है। जबकि यहां जो ये उपनिवेश है इनपे ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसका जो आधिपत्य था वो बहुत कम था, यानी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था, बहुत कम हस्तक्षेप था, बहुत कम आधिपत्य था। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे लेकिन फिर भी वो जो कुछ इनका आधिपत्य था वो भी इनको खटकने लगा। तो धीरे धीरे इनके अंदर विरोध की जो ज्वाला थी वो पनपने लगी। अब यहां जो इसका विरोध है सबसे पहले 1765 के आसपास की घटना आती है और वहीं से इसके विरोध की जो स्वर है। यहां 1765 में ब्रिटिश संसद ने एक मुद्रांक अधिनियम पारित किया। जब ब्रिटिश संसद ने मुद्रांक अधिनियम पारित किया तो वहां पर जो ये उपनिवेश थे उन्होंने इस चीज का विरोध प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे ये विरोध था वो तीव्र गति के साथ बढ़ने लगा। अब यहां जो ये विरोध हुआ इसका तो यहां एक नारा दिया गया कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, यानी कि ये जो अधिनियम है इसमें नए करों का प्रावधान जो किया गया था मुद्राओं जो विनय पत्र थे उनपे, इसी प्रकार से 1773 में 1774 में 73 में चाय अधिनियम आया था और 74 में मैसाचुसेट्स अधिनियम आया था। तो इनपे इन लोगों ने जो उपनिवेश के जो लोग थे इन्होंने इन अधिनियमों का विरोध किया और एक नारा बुलंद किया कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। तो इस प्रकार ये जो ज्वाला थी वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगी और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम था उसकी अलग जग गई थी। इस प्रकार से ये उपनिवेश जो थे वो धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सत्ता का जो उपयोग था अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और इन अधिनियम जो थे यही अधिनियम इनके स्वतंत्रता का आधार बने। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राज्यमंडल की। जब यहाँ ये लोग स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे हैं इससे पहले ये अलग 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 रूप में अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने शासन सत्ता का प्रयोग कर रहे थे लेकिन अब इन्होंने एक मंडल के रूप में स्वतंत्रता संग्राम को आगे चलाने का निर्णय लिया था। और जब अपन बात करते हैं 1774 की तो यहां 1774 में एक फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, यानी इसी सम्मेलन को फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था इसको प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसमें अमेरिका के शासन व्यवस्था का जो नियम जो थे उनके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया था। 1774 में यहां 12 उपनिवेशों के जो प्रतिनिधि थे वो यहां पे सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होकर के 10 मई 1975 को इसी महाद्वीपीय जो कांग्रेस थी इसके दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यहां इसके बाद इसमें एक राष्ट्रमंडल बनाने का निर्णय लिया गया ये राज्यमंडल कि यहां संघीय प्रारूप के तौर पे अब तक ये जो राज्य हैं वो अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई इसमें वो अकेले न रहकर के सम्मिलित रूप से इस प्रकार के संघ का निर्माण किया जाए उसके अधीन रहकर के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाए। और ऐसी स्थिति में राज्यमंडल के इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था और यहाँ पे जो राज्य थे वो उन्होंने मिलकर के जो विदेशी प्रकार के जो नियम थे विदेशी प्रकार की जो शासन व्यवस्था का स्वरूप था वो राज्यमंडल को सौंप दिए और बाकी के जो अधिकार थे अधिकार जो क्षेत्र थे वो अपने पास
रख लिए थे। तो इस प्रकार से वहां पे एक राष्ट्रमंडल का उदय होता है। और फिर चौथे चरण में हम देखते हैं नए संविधान का निर्माण। तो यहां पे राष्ट्रमंडल बनाया गया है केंद्रीय सत्ता के रूप में। ये राष्ट्रमंडल जो था वो केंद्रीय सत्ता के रूप में था, लेकिन ये केंद्रीय सत्ता के रूप में कमजोर अर्थात दुर्बल होने लगा, क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं थी, इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो अपने आप को उन राज्य की जो व्यवस्था थी उनके अंदर जो आंतरिक कलह थी उसको खत्म कर सके। इसलिए ये कमजोर साबित हुआ और धीरे धीरे जो राज्य थे उन राज्यों के मध्य आंतरिक कलह अर्थात गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी। तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों ने यह महसूस किया कि हमें इस संघीय जो सत्ता है केंद्रीय जो सत्ता है इसको मजबूत बनाना होगा, और मजबूत बनाने के लिए हमें नए संविधान का निर्माण करना होगा। और इस प्रकार से वहां एडम्स और जेफरसन के नेतृत्व में एक पुणे सम्मेलन का आयोजन किया गया था 87 के अंदर, और उस सम्मेलन में यहां अमेरिका के नए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए वहां पे वो एकत्रित सम्मेलन हुआ था। और यहां 1789 में मार्च 1789 में अमेरिका के अंदर एक नवीन संविधान का प्रादुर्भाव होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं यहां पे कि अमेरिका के अंदर तो उसका विकास, अमेरिका के संविधान का जो विकास है वो किस प्रकार से प्रारंभ होता है, उसका गोल प्रारंभ होता है उपनिवेशों की स्थापना से लेकर के उपनिवेशों की स्थापना किस प्रकार से होती है इसके अपन ने चर्चा की कि यूरोप के जो लोग थे वो आर्थिक संकट और धार्मिक अत्याचार के कारण यूरोप को छोड़कर के अमेरिका की तरफ पलायन करने लगे। लेकिन ये लोग इतने व्यवस्था प्रिय थे कि उन्होंने वहां पे उपनिवेश बनाने के लिए ब्रिटेन की जो सत्ता थी उससे अनुमति लेनी चाहिए, और ब्रिटिश जो सत्ता थी उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए उनको अनुमति भी प्रदान कर दी। अब अपन चर्चा करते हैं कि यहां जो उपनिवेश बने थे ये उपनिवेश भी तीन प्रकार के, उपनिवेशों की जो स्थापना हुई थी इनके भी तीन प्रकार थे कि तीन प्रकार के उपनिवेश थे। नंबर एक अधिकार पत्र से बने उपनिवेश, एक तो अधिकार पत्र से बने थे, एक स्वामी उपनिवेश, एक आता है शाही उपनिवेश। यानी तीन प्रकार के उपनिवेश थे, अधिकार पत्र से बने जो उपनिवेश थे ये कंपनियों के माध्यम से, कंपनियों ने ब्रिटिश सत्ता से, ब्रिटिश जो सत्ता थी उससे अनुमति लेकर के उपनिवेशों की स्थापना की थी। दूसरा आता है स्वामी उपनिवेश, इसमें स्वामी जो होता है वह उपनिवेश में गवर्नर की नियुक्ति करता है, लेकिन गवर्नर की नियुक्ति की जो अनुमोदन है वो ब्रिटिश सम्राट से करवाना पड़ता है। और तीसरा है जो शाही उपनिवेश, इनकी संख्या सर्वाधिक थी, जो शाही उपनिवेश है इनकी संख्या सर्वाधिक थी, और दूसरी ओर इनमें जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन सत्ता के द्वारा जो अनुमति लेकर के अमेरिका में जिन उपनिवेशों की स्थापना की गई थी वो उपनिवेश तीन प्रकार के थे, एक अधिकार पत्र उपनिवेश थे, दूसरा स्वामी उपनिवेश थे, और तीसरा था शाही उपनिवेश। अब इनमें जो अंतर था, अधिकार पत्र वाले में कंपनियां अधिकार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता से अनुमति लेकर के उपनिवेशों की स्थापना करती थी, स्वामी उपनिवेश में स्वामी स्वयं उसका मालिक होता है, वो स्वयं उपनिवेश की स्थापना करता है, वहां पे गवर्नर की नियुक्ति करता है, लेकिन गवर्नर की नियुक्ति जो की जाती है उस नियुक्ति में सम्राट का अनुमोदन होना आवश्यक। और तीसरा है शाही उपनिवेश, ये शाही उपनिवेश है इनकी संख्या अमेरिका में सर्वाधिक थी, और दूसरी ओर इनपे जो नियंत्रण था वो संपूर्ण जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश शासन का था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अमेरिका के विकास के चरण को अपने इस प्रकार से समझने का प्रयास किया। अब जब अपन इसके महत्व की चर्चा करते हैं कि अमेरिका के संविधान का क्या महत्व है, तो महत्व में सबसे पहली चीज आती है कि अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। यानी ब्रिटेन का संविधान भी था, ब्रिटेन का संविधान अलिखित था, पुराना था लेकिन अलिखित था,
लिखित संविधान की जब चर्चा की जाती है तो लिखित संविधान में अमेरिका के संविधान को सबसे पुराना माना जाता है। तो सबसे पुराने लिखित संविधान के आधार पर इसका महत्व है अमेरिका के संविधान का। दूसरी जब हम चर्चा करते हैं तो दूसरी चर्चा में आता है कि अमेरिका के अंदर जो संघीय व्यवस्था है वो दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में पाई जाती है। यानी जहां कहीं भी अपन संघीय व्यवस्था के आदर्श रूप के उदाहरण की जब चर्चा करते हैं तो आदर्श रूप के उदाहरण के रूप में अमेरिका की संघीय व्यवस्था का उदाहरण पेश किया जाता है। इसी प्रकार से शक्ति पृथक्करण जो है वो भी वहां पे अपने आप में एक नए महत्व को हमारे सामने रखता है। दूसरा एक सतत परिवर्तनशीलता, अर्थात अमेरिका का संविधान कठोर होने के साथ साथ समय के साथ उसमें परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। एक राष्ट्रपति की जो शासन प्रणाली है वो भी अपने आप में अद्भुत है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पे अमेरिका का जो संविधान है उसका अपना एक विशेष महत्व है। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे अमेरिका के संविधान की विशेषताओं की। अमेरिका के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं इन पे अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पूरा का पूरा अपना वीडियो जो रहेगा वो अमेरिका के संविधान की विशेषताओं पर रहेगा और विशेषताओं के आधार पे अपन उनके अंदर किस प्रकार से उनको हम समझने का प्रयास करें, अर्थात उनको किस प्रकार से हम पर उनको लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से हम विशेषताओं को एक एक कर करके और पूरी डिटेल के साथ उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।